हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, बीपीएससी टायर 3 का री एग्ज़ाम आपका 19 से लेकर के 22 जुलाई के बीच में होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए प्यारे साथियों, आज हम लोग गांधीवादी चरण के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको लेकर के आए हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी, आपको बताना है। ये जितने स्थान दिए हैं ये सभी जो हैं ये भारत के हैं, अर्थात गांधी जी ने इसका सबसे पहला प्रयोग तो दक्षिण अफ्रीका में किया था, लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं वो सब भारत के हैं। तो देखिए, दांडी से तो इन्होंने किया नहीं था, सबसे पहले आपका इन्होंने चंपारण से किया है। अब मैं आपको चंपारण के बारे में बताता हूँ। चंपारण कहाँ पड़ेगा? ये बिहार में पड़ेगा, और बिहार में पड़ता है। यहाँ समस्या किसकी थी? तो यहाँ किसानों की समस्या थी, और किसान की समस्या क्या थी? नील किसानों की समस्या थी, नील के उत्पादन को लेकर के ये समस्या थी। कुल मिलाकर के आपको ये जानना है कि चंपारण में सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह की क्रियाविधि का प्रयोग किया था। चंपारण के बाद इनका कौन सा पड़ता है? खेड़ा, और उसके बाद फिर आपका आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद में मिल मजदूर थे। कौन थे? मिल मजदूर थे, ठीक है। और खेड़ा में आपके कौन था? तो खेड़ा में भी आपके किसान थे, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहला आपका चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, ये इनका क्रम है। क्रम नोट कर लीजिएगा, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। चंपारण में किसान, अहमदाबाद में मजदूर, खेड़ा में किसान, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर, और क्वेश्चन नंबर दो का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? आपको दूसरे का राइट जवाब देना है, भगत सिंह। सैंडर्स की हत्या करने वाले भगत सिंह थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था, आपको बताना है। तो देखिए, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और इनको हम लोग प्रेम से नेताजी भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? नेताजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष से मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो वो 1940 से किया था। कब से किया था? 1940 से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं क्या कह रहा है। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद, और इसका नाम था ऑपरेशन पोलो। क्या था? ऑपरेशन पोलो था, याद रखिएगा। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का सैनिक कार्यवाही के माध्यम से विलय कर लिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर छः क्या कह रहा है? किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये सबको पता होगा, इसका आंसर फटाक से 10 सेकंड के अंतर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। फटाफट जो लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करें, इसका आंसर मैं जानना चाहता हूँ। चलिए, समय आपका कंप्लीट होने वाला है, जल्दी से दीजिए। तो ये इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सात पर चलते हैं। करा देश बंधु की उपाधि संबंधित है, देश बंधु की जो उपाधि है वो चितरंजन दास से संबंधित है। किससे? चितरंजन दास से संबंधित है, याद रखिएगा। आठवां कह रहा है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, कहां पर हुआ था? देखिए, अब आपसे कई क्वेश्चन यहां से बन सकता है। सबसे पहले आपसे पूछेगा, कांग्रेस के 1929 का अधिवेशन है उसमें क्या हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में घोषित हुआ था? 1929 में। और तीसरा जो क्वेश्चन है, कहां पर हुआ था? तो आपको बताना है, लाहौर में हुआ था। कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था, ठीक है। चलिए नौवें पर चलते हैं। नौवां कह रहा है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव
किस वर्ष पारित किया, आपको बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, तो 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, आपको बताना है। तो कब दिया था, ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है, 1943 में, कब दिया था, 1943 में। सुमेलित करना है, आइए देखते हैं, कह रहा है मोहनदास करमचंद गांधी कौन है, आपके महात्मा गांधी हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर आपके जय गुरुदेव हैं, मैंने इनको मिला दिया है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा कौन सा बन रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो ये भी जान लीजिए, 1920 से 1922 के दौरान, और इसको निलंबित क्यों किया गया था। गांधी जी अस्वस्थ थे, नहीं। हिंदू और मुस्लिम के बीच कोई टकराहट थी, नहीं। नेताओं के बीच कोई मतभेद था, नहीं। चौरी चौरा में हिंसक घटना हुई थी जिसमें 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। इस घटना को देख करके गांधी जी ने कहा कि हम असहयोग आंदोलन को वापस लेते, क्योंकि गांधी जी का परम लक्ष्य है हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम अपनी बात अहिंसा के माध्यम से रखेंगे। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। 13 कह रहा है वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कहां हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ये अमृतसर कहां है, ये आपका पंजाब में पड़ता है। कहां पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कह रहा नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, आपको बताना है, तो 1930 से जो है वहीं से इसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 31 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, इनकी डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बताना है वो कौन सा कारण था। तो वर्ष 1928 में इन्होंने लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी थी, एक तो ये था। और देखिए कभी कभी आपसे कूट बना लेगा, तो दूसरा कारण था वर्ष 1929 में केंद्रीय जो विधानसभा है उसमें बम फेंकने के कारण। तो आपका राइट जवाब इसमें इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 16 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था, रॉलेट एक्ट 1919, इसी के तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी निहत्थे लोगों पर। कारण क्या था, विरोध प्रदर्शन का कारण था कि उनके जो दो प्रमुख नेता थे, ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हीं के विरोध में एक सभा आयोजित की गई थी, ठीक है, और जो सभा आयोजित करने वाला था वही आगे चल करके सरकारी गवाह बन जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है। समझौते की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दिल्ली समझौता भी कहते हैं। तो 17 का राइट जवाब आपका क्या होने वाला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे, आपको 18 का राइट जवाब देना है, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन अगर पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आपका राइट जवाब हो जाएगा सी राजगोपालचारी, याद रखिएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, 19 का राइट जवाब देना, 1909 में नहीं और ना ही 1919 में, 1935 के आपके अधिनियम में जो है इस बात का जिक्र किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, जो काकोरी कांड जिसको हम लोग कहते हैं इसके नायक कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 21 पर चलते हैं। कह रहा है 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण
जो इसकी धारणा थी उसको जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे, अर्थात 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन की धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वो कौन था। आपको 21 का राइट जवाब देना है, वो जेम्स फोर्ड था। कौन था? जेम्स फोर्ड था। 22 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? 22 का राइट जवाब दीजिए, तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। कह रहा है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल, इसको मंदिर की संज्ञा दिया है गांधी जी ने, याद रखिएगा। आपसे पूछता है किस जेल को गांधी जी ने मंदिर की संज्ञा दी थी, तो यरवदा जेल है, इसी को मंदिर की संज्ञा गांधी जी ने दिया था। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट जारी किया था इसी के विरुद्ध इन्होंने आमरण अनशन किया था, याद रखिएगा। 23 का राइट जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 24 पर चलते हैं। आइए, कह रहा है 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी, वह निकट सहयोगी कौन था आपको बताना है। तो वह निकट सहयोगी राजकोट में वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखिएगा। ठीक है, कौन था? राजकोट में वल्लभ भाई पटेल था। ठीक है, 25 पर चलते हैं और 25 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नांकित आंदोलन में से किसे महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो आपको बताना है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। डेट भी याद रखिएगा, पूछेगा। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में और असहयोग आंदोलन 20 से 22 में। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। करा जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला कौन था? तो R.E.H. Dwyer। कौन था? R.E.H. Dwyer था। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था आपको बताना है। 27 का राइट जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने? नहीं। राजगोपालचारी ने? नहीं। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कहा था। कौन कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगर पूछे कहां से कहा था तो ये भी याद रखिएगा, टोक्यो रेडियो स्टेशन से। कहां से? टोक्यो रेडियो स्टेशन से। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 28 कह रहा है क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। और इसके असफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना? नहीं। भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना? नहीं। गांधी का शांतिवाद? नहीं। क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण? ये डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 29 पर चलते हैं। इस क्रिप्स मिशन में क्रिप्स को लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कथन भी है जो फेमस है, पूछा जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप शैतान के वकील बन करके आए हैं मेरे पुराने मित्र क्रिप्स, ऐसे कथन है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना, इसका मैं आंसर जानना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में, फटाफट कमेंट करके बताइए। 29 का राइट जवाब क्या होगा और कौन बताएगा इसका आंसर सही, मैं देखना चाहता हूँ। कमेंट करके जरा बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन, जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कमेंट करके बताइए फटाफट। चलिए चलिए, इसका राइट जवाब मैं बताता हूँ, अबुल कलाम आज़ाद होगा। क्या होगा? अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? साबरमती आश्रम में थे? नहीं। सेवाग्राम आश्रम में थे? नहीं। नई दिल्ली में थे? नहीं। तो कहाँ थे भैया? वो कोलकाता में थे उस समय। कहाँ थे? कोलकाता में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है
भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंट वेटन योजना के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? माउंट वेटन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं 32 पर, क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947 को? नहीं, तब कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। डेट याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? ऊपर बताया था सी राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं, कह रहा है कायदे आजम किसे कहा जाता है? आपको बताना है। 34 का राइट जवाब आपको देना है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। 35 पर चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, इसमें कूट में आपको जवाब देना है। ठीक है, 35 का जवाब आपको कूट में देना और बताना इसका राइट जवाब क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या कहा जाता है। देखिए, राज्यों के पुनर्गठन के लिए इनको जाना जाता है, बिल्कुल सही है। लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। देश बंधु इनको नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो दो इनके हैं, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, पहले और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, और जो गांधी जी हैं उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के यहाँ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जा करके भाग लिया था, जो कि कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, जेम्स पैलेस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है। बताइए जरा, 37 का राइट जवाब आप लोग दीजिए, कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, याद रखिएगा। 38 पर चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? 38 का राइट जवाब आपको देना है, चितरंजन दास हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? 39 का राइट जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ऊधम सिंह ने किया था। किसने किया था? ऊधम सिंह ने किया था, याद रखिएगा। 40 पर चलते हैं, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? इसकी ट्रिक याद रख लीजिएगा, 1727 और 1727, अर्थात 1927 में भारत आगमन हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। देखिए ऑप्शन में इसमें 28 दे दिया गया है, तो 1927 हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन इसमें टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1927 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 41 का राइट जवाब होगा क्या? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 का राइट जवाब क्या होगा? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था, आपको बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1921 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से कहा था शुरुआत में कि आप पूरा भारत का भ्रमण कीजिए, उस दौरान अपने मुंह और अपने जो है आंखों को बंद रखना, केवल अपने कानों को खुले रखना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है? आपको 43 का राइट जवाब देना है, क्या होगा? तो 43 का राइट जवाब हो जाएगा, इकबाल ने इसकी रचना की थी। चलिए 44 पर चलते हैं, कह रहा है दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? सीएफ एंड्रूज। देखिए दो शब्द है, एक तो है दीन बंधु, एक है देश बंधु। देश बंधु के नाम से चितरंजन दास को जानते हैं। क्या कहते हैं इनको? देश बंधु कहा जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी दीन बंधु और देश बंधु में कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए यहाँ ऑप्शन में दोनों दे दिया है, तो आपको याद रखिएगा जो देश बंधु है वो चितरंजन दास है, जो दास होता है वो देश में होता है, ऐसे याद रखिएगा, तो याद हो जाएगा दास देश। ठीक है, सी एफ एंड्रूस दीन बंधु है। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? 45 का राइट जवाब दीजिए, महात्मा गांधी है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। देखिए क्रम के अनुसार घटनाओं को आपको व्यवस्थित करना है, तो 46 का राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और कमेंट करके बताइए इसका राइट जवाब क्या होगा। तो आइए देखते हैं 46 का राइट जवाब क्या होगा। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी बताओ, साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। देखिए जो आपका साइमन कमीशन है, सबसे पहले वो भारत आया कि सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ। देखिए सबसे पहले आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। फिर आपका ये हुआ था 1920 से लेकर के 22 के दौरान। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1927 में आया था, दूसरे नंबर पर ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपकी घटना क्या थी, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में। और फिर आपका लास्ट में आता है पूना पैक्ट जो है आपका वो 32 में आया था। कब आया था, 1932 में आपका पूना पैक्ट आया था, ठीक है। पूना पैक्ट है इसका समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, याद रख लीजिएगा। मैंने सारी घटनाओं को आपको बता दिया है, मैच कर लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 47 पर। कह रहा है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी नमक कानून का विरोध करने में, कितने दूरी तय की थी, किलोमीटर में बताना है, मील में नहीं, आपको किलोमीटर में 47 का राइट जवाब देना है। तो 47 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, 385 किलोमीटर, ठीक है। और अगर मील में पूछे तो 240 मील की दूरी गांधी जी ने तय किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 48 पर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, तो रॉलेट एक्ट को कहा था, जो 1919 में आया था, रॉलेट एक्ट, ठीक है। किसको कहा था, जो आपका रॉलेट एक्ट था। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था, तो आपके राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ये आपके शामिल थे। तो 49 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर, चलते हैं 50 पर। कौन आज़ाद हिंद फौज IAN से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो 50 का राइट जवाब क्या होगा, गुरदयाल सिंह ढिल्लो हैं तो गलत होगा, शहनवाज खां हैं तो गलत होगा, जनरल मोहन सिंह हैं तो गलत होगा, RC दत्त, ठीक है, इनका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी 1923 में हुई थी, कब हुई थी, 1923 में। तो 19 में हुई थी नहीं, 20 में हुई थी नहीं, तो कब हुई थी, ये हुई थी 1923 में। तो आपका चौथा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, और दूसरा विभाजन कब हुआ था। देखिए आपसे यहां दो क्वेश्चन बने हैं, दोनों को ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, 1907 को, किस अधिवेशन में हुआ था, सूरत के अधिवेशन में हुआ था। अब आपसे पूछ रहा है दूसरा विभाजन कब हुआ था, तो आपको बताना है 52 का राइट जवाब क्या होगा। तो देखिए दूसरा विभाजन जो हुआ था वो 1918 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, कहां हुआ था, मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अब अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53 कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ते या कमीजों के रूप में जाना जाता है, कांग्रेस समाजवादियों को नहीं, आजाद हिंद फौज के सदस्यों को नहीं, खुदाई खिदमतगारों को जाना जाता है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में शामिल है। कई दफा यहां से जो है क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, कई दफा यहां से क्वेश्चन बने, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत तब उनके लिए स्वीकार्य था, क्या ये सही जवाब है, नहीं ये सही जवाब नहीं है। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी, ऐसा भी नहीं था। कांग्रेस बड़े सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी क्योंकि जिन्ना सांप्रदायिक दंगों पर अड़ गए थे,
उनका कहना था कि हम लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मर के लेंगे पाकिस्तान। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे वो ये नहीं चाहते थे कि भारत में एक सांप्रदायिक दंगा हो जिसके आधार पर बहुत बड़ी जो है जनता मृत्यु के कगार में चली जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है इसको स्वीकार किया था। तो आपका सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटाई थी? 1919 में जो क्रूर अत्याचार हुआ था उसके विरोध के रूप में सर की उपाधि किसने लौटाई थी आपको बताना है। तो सर की उपाधि लौटाने वाले आपके थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। देखिए ये 56 है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। कह रहा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी थे, क्या थे गांधी आपसे पूछ रहा है, आपको इसका जवाब देना है। तो अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके फटाक से मुझे बताइए उस समय गांधी क्या थे। बताइए क्या कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे कि नहीं थे, बताइए जल्दी से मुझे। तो गांधी जो है वो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नहीं थे, ये कह रहा है थे तो गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 57 पर। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था आपको बताना है। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उस समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जो लॉर्ड कर्जन है ये बंगाल विभाजन के समय था और बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय आपका कौन था? चेम्सफोर्ड। अगर आपसे पूछे लॉर्ड कैनिंग तो ये 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय था, गवर्नर जनरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी आपको बताना? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आपको 58 का राइट जवाब पता हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था आपको जवाब देना है। 59 का जवाब देना है मोतीलाल नेहरू ने किया था, नहीं इन्हीं की तो रिपोर्ट थी तो ये कैसे करेंगे। तो किसने किया था? डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में, याद रखिएगा डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है 1923 में चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इन्होंने कहा था कि हमें स्वराज चाहिए। तो 60 का राइट जवाब आपका क्या होगा जवाब दीजिएगा। तो देखिए मोतीलाल नेहरू आप ऐसे अनुमान लगाइएगा कि ज़्यादातर ये कहां से रिलेट करते हैं, इलाहाबाद से। तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इलाहाबाद में, ठीक है। चलिए 61 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, किसके तहत उन्होंने घोषणा किया था आपको 61 का राइट जवाब देना है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करें। मैं जानना चाहता हूं कि सभी भाइयों को क्या इसका आंसर आता है कि नहीं, फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है, आपको इसका जवाब देना है, दीजिए। तो क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ये बात हुई थी? नहीं, यहाँ से तो शुरुआत हो रही थी। क्या भारत सरकार कानून जो आया था 1858 में लॉर्ड कैनिंग के समय, जिस समय 1 नवंबर को 1858 को इलाहाबाद राष्ट्रीय राजधानी बनी थी? नहीं, इस समय भी नहीं था। क्रिप्स मिशन 1942 में, ये तो बहुत बाद की घटना, ये भी नहीं है। अगस्त, जो अगस्त घोषणा 1917 में हुई थी उसमें ये बात कही गई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। करा चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ये वही घटना है असहयोग आंदोलन के दौरान जिनमें 22 पुलिस कर्मियों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया गया था,
आपको बताना है कि ये स्थान कहाँ है, तो आपका गोरखपुर में पड़ता है। और गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। कह रहा है कि किसने कहा, मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, इसका राइट जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका राइट जवाब होगा जब जाग उठेगा, जाग जवाहर जाग। ऐसे ट्रिक बनाइएगा, जाग जवाहर जाग, तो ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। हु लिप्स इन इंडिया डाइस किसकी उक्ति है? 64 का आपको राइट जवाब देना है। महात्मा गांधी की है? नहीं। तो किसकी रचना है ये? ये है आपकी जवाहरलाल नेहरू की रचना। किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की रचना है। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? आपको बताना है, क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ, क्रिप्सलिन, ऐसे याद रखिएगा, क्रिप्सलिन, तो आपको याद हो जाएगा क्रिप्सलिन अर्थात लॉर्ड लिनलिथगो था उस समय। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं। कह रहा, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? केवल एक बार बने हैं, वो भी 1924 में बने हैं। ठीक है, बेलगांव की अध्यक्षता उन्होंने किया था। ठीक है, चलिए तो कितनी बार बने हैं? एक बार बने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 67 का राइट जवाब होगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने। 68 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था? जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए सर्वे सर्वा तो महात्मा गांधी थे, ये तो शामिल ही होंगे, अब इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो कौन नहीं शामिल होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के सहयोगी थे, तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू भी सहयोगी थे तो रहेंगे, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। बी आर अम्बेडकर आपके सही हो जाएंगे, बी आर अम्बेडकर इसमें शामिल नहीं हुए थे, याद रखिएगा। उनका कहना था कि जब शत्रु हमारे सामने खड़ा है तो हमें ऐसी घटिया हरकतें नहीं करना चाहिए, अर्थात जो जर्मनी और जापान ये दोनों हमारे उत्तर पूर्वी हिस्से से आगे की तरफ बढ़ रहे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट दिया था बी आर अम्बेडकर ने। 69 कह रहा है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे? नहीं। जवाहरलाल नेहरू थे? नहीं। तो फिर कौन था मेरे भैया? जीबी कृपलानी थे या सरदार पटेल थे? बताइए। 69 का राइट जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, तो मैं जानूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। इन दो में से आपको जवाब देना है, जेबी कृपलानी या सरदार पटेल, बताइए जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर दीजिए, मैं जानना चाहता हूं। 10 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, 10 सेकंड के अंदर आपको इसका राइट जवाब देना है, क्या होगा? चलिए जल्दी से बताइए इसका, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, मैं जानना चाहता हूं। तो इसका राइट जवाब होगा जेबी कृपलानी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? किसने किया था? तो सर सीरियल रेडक्लिफ ने, और जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किस योजना के तहत किया था? माउंट वेटन योजना के तहत किया था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं, और 71 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे, 71 का राइट जवाब देना है, जब वे इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे, गलत होगा, साबरमती आश्रम में थे, गलत होगा, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा जब कर रहे थे तब उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 72, कह रहा है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? तो एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था, आपको बताना है। क्या नवजीवन था? नहीं, नवजीवन तो नहीं था। इंडियन ओपिनियन, इन्होंने एक समाचार पत्र या पत्रिका जिसको हम लोग कह सकते हैं शुरू किया था, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, हरिजन भी इन्हीं का है, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। कह रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी ने किसके साथ समझौता किया था, आपको बताना है। 74 का राइट जवाब दीजिए, किसके साथ गांधी ने समझौता किया था, तो लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया था, याद रखिएगा। ठीक है, जिसे आगे चल के हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो 74 का राइट जवाब हो जाएगा लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक आपसे पूछ रहा है तो वो आपके महात्मा गांधी थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। कहां अक्टूबर, क्वेश्चन नंबर 76, कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? 76 का राइट जवाब देना है सिंगापुर में की गई थी। कहां की गई थी? सिंगापुर में। 77 पर चलते हैं, घटनाओं को क्रम से सेट करना है और राइट जवाब देना है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, अब आपको जवाब देना है 77 का क्या होगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले मेरठ षड्यंत्र केस हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, और फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट आया जिसको लेकर के गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये तीनों क्रम से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए की गई थी, आपको बताना है। तो साइमन कमीशन 1927 में आया था, ये भी जानते रहिएगा। अब उद्देश्य क्या था इसका, आपको कमेंट करके बताना है। 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए जो है इसका गठन हुआ था। ठीक है, चलिए, इसके विरोध का कारण था, इसको आना था 1929 में, लेकिन ये आ गया था 27 में, क्योंकि ब्रिटेन में उस समय चुनाव होने वाला था, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, सूची एक है पुस्तक और सूची दो है रचयिता, और आपको बताना है क्या कूट है। हाँ बिल्कुल, देख लीजिए, पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए 79 के, फिर मैं आपको कूट दिखा देता हूँ, और कूट दिखाने के बाद हम फिर चलेंगे ऑप्शन पर। चलिए जल्दी से देख लीजिए, चलते हैं फिर। चलिए अब हम लोग चलते हैं, मिलाते हैं। कह रहा है द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, आपको बताना है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है, याद रखिएगा। इंडिया इन ट्रांजिशन ये किसकी पुस्तक है, ये आपकी एम एन रॉय की पुस्तक है। वेक अप इंडिया किसकी पुस्तक है, तो ये आपकी इन्वेसेंट की पुस्तक है। और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है, बीपी मेनन की पुस्तक है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने मिला दिया है, आप ऑप्शन में जाकर के चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें आपका बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, चलिए बताइए 80 का राइट जवाब क्या होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, चेम्बरलिन, चर्चिल, इटली, मैकडोनाल्ड। सभी ऑप्शन एकदम क्लोज में रख के दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। आपको बताना है 80 का राइट जवाब क्या होगा। देखिए इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, अगर आप इस ट्रिक को पकड़ लिए तो शायद इसका ऑप्शन आपसे कभी गलत हो ही नहीं सकता है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की क्या थी, बहुत ज्यादा चर्चा थी, तो बस ऐसे याद रखिएगा इसकी चर्चा थी, अर्थात उस समय जो भारत का, भारत में जो इनको छोड़ना था भारत, उसको रखते हुए इंग्लैंड में क्या थी, बहुत चर्चा थी, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ने के लिए इंग्लैंड में बहुत चर्चा थी, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। कह रहा 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, आपको 81 का राइट जवाब देना है। तो देखिए दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? देखिए, जो बटलर कमेटी है ये साइमन कमीशन के अंतर्गत बनाई गई थी। किसके अंतर्गत बनाई गई थी? साइमन कमीशन के अंतर्गत बनाई गई थी। इसका काम क्या था? क्या भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना ये काम था इसका? बताइए, 83 का राइट जवाब दीजिए। तो नहीं, ये नहीं था। भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना? नहीं, ये भी नहीं था। भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना? ये भी नहीं था। भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच में सुधार लाना और उनके जो भी व्यवहार है, जो भी बातचीत है, उनका अध्ययन करके रिपोर्ट देना था बटलर कमेटी को। ठीक है, चलिए, एक कमेटी और बनी थी इसके दौरान, हार्टोक कमेटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 84 का राइट जवाब आपको देना है। तो 84 का राइट जवाब क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है। बी आर अम्बेडकर ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। देखिए, मुख्य रूप से इसमें जो ये उपज थी, या कह सकते हैं मुख्य रूप से जो इसमें माइंड सेटअप था, वो था महात्मा गांधी का। लेकिन ये गलत है, जवाहरलाल नेहरू भी गलत है, अंबेडकर भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। कारण बताता हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी को ये चीज साफ पता थी कि जब हम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे तो जो अंग्रेज हैं वो हमारे पीछे पड़ेंगे। और हुआ भी यही, जैसे ही इसकी घोषणा होती है उसी समय रात्रि के समय जो है अंग्रेजों ने जितने प्रमुख नेता थे उनको कैद कर लिया। इसलिए गांधी जी ने जब ये आंदोलन शुरू किया तो ये कहा था जनता का आंदोलन जनता के द्वारा चलाया जाएगा, और नारा दे दिया करो या मरो। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक जो है नारा दिया था जो बहुत फेमस हुआ था, याद कर लीजिएगा, करो या मरो का जो है नारा गांधी जी ने दे दिया, और कहा यह जनता का आंदोलन है और जनता ही इसकी लीडर है, इसमें जो है नेतृत्वकर्ता भी जनता ही रहेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पर चलते हैं और 85 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? तो वो आपके महात्मा गांधी ने दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। करा निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किया था? आपको 86 का राइट जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। बताइए 86 का राइट जवाब क्या होगा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? समय से पूर्व इसकी नियुक्ति हो गई थी। देखिए, एक तो ये था ही था, लेकिन मुख्य कारण आपसे पूछा, सभी कारण नहीं पूछा। देखिए, मुख्य कारण पूछ रहा, इस शब्द को पकड़िए, ये तो था ही। सभी सदस्य अंग्रेज थे, कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे और सभी के सभी इसमें अंग्रेज थे। इसका सबसे प्रमुख कारण विरोध का यही बना, क्योंकि जिस कमीशन को भारत की आगे की राजनीति का भविष्य तय करना था, जब उसमें कोई भारतीय ही नहीं शामिल है तो उसका विरोध करना लाजमी था हमारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा, इसीलिए इसका जमकर के विरोध भी हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं। कह रहा है कि भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था, किसके तहत किया गया था? याद रखिएगा, दो बार 19 आ जाएगा, तो बस वही आपका राइट जवाब है। 1919 दो बार है, मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड 1919 के द्वारा आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो 88 का राइट जवाब आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, अगस्त घोषणा कब हुई थी मॉन्टेग्यू के समय? अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के समय, और प्रत्यक्ष कार्यवाही एम जिन्ना के समय। ठीक है, हमने मिला दिया है, ऑप्शन देख लीजिएगा जो आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? आपको बताना है मुख्य भूमिका में कहाँ थे वो, क्या दांडी मार्च में मुख्य भूमिका निभाई थी? तो देखिये, दांडी मार्च में उन्होंने मुख्य भूमिका नहीं निभाई थी, बिजौलिया आंदोलन में भी नहीं निभाई थी, अहमदाबाद मिल मजदूर में गांधी जी ने ही निभाई थी, बारदोली सत्याग्रह, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई दफा कई एग्जामों में बना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है,
किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी कहा था, तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और किसने कहा था कि यह उनके लिए सबसे सही तरीका है, तो महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, किसने बनाया था? आपको 92 का राइट जवाब देना है, जल्दी से बताइए। 92 का राइट जवाब आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, इसका आलेख बनाने का काम महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 93। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित था? अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित था। 93 का राइट जवाब आपका बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पर चलते हैं। करा त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? देखिए, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो आपके अध्यक्ष चुने जाते हैं। 95 करा किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो ये किसका सुझाव था? राजगोपालचारी का था? नहीं, तो किसका था? ये जो है आपका महात्मा गांधी का सुझाव था। किसका था? महात्मा गांधी का। 96 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? लेकिन गांधी जी ने इसमें जो है आगे चल करके कहा कि जो है पट्टाभि सीतारमैया की हार मेरी हार है, इस बात को लेकर के फिर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस को छोड़ भी दिया था, याद रखिएगा ये भी। तो 96 का राइट जवाब आपका क्या होगा? त्रिपुरी कहाँ है आप लोग कमेंट करके बताइए। त्रिपुरी आपकी जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका से भारत महात्मा गांधी कब लौटे थे आपको बताना है। कमेंट करके फटाक से 97 का राइट जवाब दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। 97 का राइट जवाब दीजिए, इसको तो सभी को पता होना चाहिए। कब लौटे थे? 1915 में। और इसीलिए हम लोग जो है इनके आने की खुशी में अप्रवासी भारतीय दिवस की प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कमेंट करके बताइएगा, मैं ये सबसे जानना चाहता हूँ, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे तो प्रवासी दिवस मनाते हैं कि अप्रवासी दिवस मनाते हैं? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो याद रखिएगा, वो बस जवाहरलाल नेहरू ही थे। कौन था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये कथन। क्वेश्चन नंबर 99 पर चलते हैं। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। और कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो 99 का आपका राइट जवाब बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं। इंकलाब का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा, इसे इंकलाब और इसे इकबाल, तो किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। कौन दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। कह रहा है कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, उनका संबंध पंजाब से है। कहाँ से है? पंजाब से। क्वेश्चन नंबर 102 पर चलते हैं। कह रहा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, कब मनाया था आपको बताना है। तो मुक्ति दिवस जो मनाया था उन्होंने 1939 में मनाया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, तो 7 प्रांत थे जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। 3 प्रांत ऐसे थे जहां पर जो है कांग्रेस मिलीजुली सरकार बनाई थी, और जो आपका एक प्रांत है बंगाल, वहां सबसे बड़ा दल बनकर के उभरी थी आपकी
कांग्रेस, क्योंकि 11 ब्रिटिश क्षेत्रों में चुनाव कराए गए थे। क्वेश्चन नंबर 104 पर चलते हैं। कह रहा है भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो ये जो पाकिस्तान शब्द है, देखिए पाकिस्तान को लेकर के एक बात हमेशा याद रख लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे, इसको रहमत चाहिए, अर्थात ये हमेशा रहमत के पीछे परेशान रहता है। तो बस याद रख लीजिएगा ऐसे कि पाकिस्तान रहमत पर है, अर्थात चौधरी रहमत अली ने दिया था, हमेशा के लिए ये ट्रिक आपके पास हो जाएगी। 105 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, इसका आपको राइट जवाब देना है। तो ये बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में नहीं हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले की भी अध्यक्षता में नहीं हुआ था, ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 106 पर चलते हैं। कह रहा है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो याद रखिएगा प्रसाद का निर्माण किससे होता है, खाद्य एवं कृषि से जुड़ी चीज़ों से प्रसाद का निर्माण होता है। तो ऐसे ही ट्रिक लगा लीजिएगा, खाद्य व कृषि विभाग इनके पास था। चलिए 107 पर चलते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था। आइए देखते हैं, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। 108 पर चलते हैं। कह रहा है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, बताना है आपको इसका राइट जवाब क्या होगा। तो देखिए इसकी जो कैबिनेट की अध्यक्षता किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 109 पर चलते हैं। करा किसने प्रसिद्ध चिट्टगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था, ठीक है, तो इसका राइट जवाब होगा सूर्य सेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 110 पर चलते हैं। करा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की जो है नियुक्ति की गई थी, और हंटर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि जनरल डायर निर्दोष हैं। इसी हंटर आयोग के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने भी एक समिति गठित की थी, जिसका नाम था तहकीकात समिति। तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा तहकीकात समिति का संबंध भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से ही है। करा भारत के विभाजन का बालकन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज था, याद रखिएगा। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा, जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। 112 का आपको राइट जवाब देना है, तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा, लाला लाजपत राय ने कहा था जब 1927 में आए साइमन कमीशन का विरोध पंजाब में पहुंचा था, तो लाहौर का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, वहीं पर सैंडर्स के द्वारा लाठी चार्ज करवा दी जाती है, जिसमें घायल होते हैं लाला लाजपत राय और इनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु से पहले उन्होंने यही कथन कहा था, याद रखिएगा। 114 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा नरसंहार की घटना घटी थी,
तो वो क्या था, वो था रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट था। 115 पर चलते हैं। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है आपको बताना है। वी एन राव नहीं, ये बीपी मेनन की पुस्तक है, याद कर लीजिएगा। राजगोपालचारी भी नहीं है, इसके लेखक हैं वीपी मेनन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 पर चलते हैं। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। तो भारतीय दलित वर्ग का संबंध था। पूना समझौता गांधी वर्सेस अंबेडकर अर्थात गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, ये भी जानते रहिएगा। 117 भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। आपको 117 का राइट जवाब देना है। आइए देखते हैं फ्री इंडियन लीजन सेना। देखिए जब भी आपको इस तरीके का लगभग लगभग क्वेश्चन पूछेगा तो मान के चलिएगा 90% आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस ही होगा, ठीक है ना। चलिए गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक है। शिक्षक हमेशा करता है कृपा, तो ऐसे याद रखिएगा जीबी कृपलानी। शिक्षक हमेशा क्या करता है कृपा, तो हो जाएगा जेबी कृपलानी, ये शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन है 119। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी आपको बताना है। तो देखिए जो HSRA है इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी, ठीक है। चलिए जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। गांधी जी व लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में नहीं थे। किचलू सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल मलिक के बंदी बनाए जाने के विरोध प्रदर्शन में हंसराज ने एक सभा बुलाई थी जलियांवाला बाग में, और यही हंसराज आगे चल करके सरकारी गवाह बन जाएगा। इसका नाम याद रखिएगा हंसराज का, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 121 कह रहा है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था। देखिए वो जेल थी बांकीपुर, जहां पर राजेंद्र प्रसाद को कैद करके रखा गया था, ठीक है। चलिए 122 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, आपको उस पार्टी का नाम बताना है। तो आइए देखते हैं जयप्रकाश नारायण जो है वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, याद रखिएगा, ठीक है। किससे जुड़े थे, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में, ठीक है। चलिए अगला है 123। एक स्थान दिया है और प्रांत दिया है, आपको मिलाना है। देखिए यरवदा जेल पूना में है और पूना पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। नोआ खाली कहाँ है, बारडोली कहाँ है। देखिए बारडोली कहाँ है आपको बताना है, मैं जानना चाहता हूँ। और नोआ खाली पश्चिम बंगाल में है, बारडोली गुजरात में है, ठीक है। तो आपका हमने मिला दिया है, आंसर जा करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 124 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। 125 कह रहा है वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी। तो देखिए जो पैरवी है वो वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था, और इन तीनों ने किया था। अगर आपसे पूछ ले किया किसने था, तो भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू और कैलाश नाथ काटजू, ये नाथ है, कैलाश नाथ काटजू ने किया था, ठीक है। 126 पर चलते हैं।
वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था वो थे स्वामी श्रद्धानंद। याद रखिएगा 127 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी कैसरे हिंद की उपाधि। ठीक है चलिए 128 निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नहीं शब्द को ध्यान से रखिएगा, हिंदू महासभा ने भी इसका समर्थन नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया था। इनमें से सभी डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 129 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का जवाब दीजिए। सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? सबसे पहले खिलाफत आंदोलन हुआ, फिर खिलाफत में ही आपका जुड़ गया असहयोग आंदोलन, ये गांधी जी की देन थी, फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चला और फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन चला। तो सबसे पहले नंबर 3, फिर 1, फिर 2 और फिर 4, 31, 24 आपका राइट जवाब हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 130 पर चलते हैं, कथन ए, 1928 में लाहौर पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरोध का आयोजन हुआ। ठीक है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सभी अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन को स्वायत्त कमीशन भी कहते हैं। दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्राही चुना गया तो दूसरा सत्याग्राही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 132 निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में है? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपको बताना है, जो गलत है उसका जवाब देना है। तो वो कौन सा कथन है? सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, यही राइट जवाब हो जाएगा। 134 पर चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में एक मील का पत्थर साबित हुआ था, क्योंकि आपको बताना है ये क्यों साबित हुआ था मील का पत्थर, इसका राइट जवाब आपको देना है। इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था इसीलिए। ठीक है, याद रखिएगा, कह रहा है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे प्लेग जीवाणु या महामारी का वाहक है, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन है, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, दुर्घटनाओं का वाहक नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 136 पर चलते हैं, एक कथन दिया गया है और आपको बताना है ये कथन किससे संबंधित है। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नग्नता के लिए वह अधोगति झेलने के उत्तरदायी हैं जो मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। आपको बताना है ये कथन किसका है और मैं जानना चाहता हूँ। तो देखिए, ये कथन आपका ना तो गांधी का है, ना नेहरू का है, ना दादा भाई नेहरूजी का है, ये कथन आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। याद रखिएगा, रौलेट एक्ट पारित किया गया था, किस लिए पारित किया गया था? तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए इसका जो है
इसको पारित किया गया था, ठीक है ना। इसे काला कानून की भी संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी होती थी, ठीक है, और इसमें जमानत नहीं मिलती थी। तो 137 का राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। 138 कह रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी, आपको बताना है। तो बारदोली आपका गुजरात में पड़ता है, इसकी मुख्य मांग थी मजदूरी की दरों में वृद्धि, जोतने वालों को जमीन, नई बढ़ी हुई लगान की दर वापसी, किसानों को कृषि निविष्टकों की आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर पूर्ति। तो देखिए इसकी जो मांग थी कि नई बढ़ी हुई जो लगान है वो क्या हो जाए, वापस हो जाए, तो आपका सी इसमें राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 पर चलते हैं और 139 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 139 कह रहा है, यह असहयोग आंदोलन के विषय में, क्वेश्चन नंबर 139 असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ी प्रबलता का था, ठीक है, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ, ठीक है, क्योंकि इसके साथ साथ आपका खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यम वर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक और श्रमिक वर्ग के आंदोलन का मिश्रण नहीं था, तो आपका पहला और दूसरा सही होगा, ठीक है। चलिए 140 पर चलते हैं और 140 का राइट जवाब आप सभी को देना है, तो कूट भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 140 पर। कह रहा है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में कौन से कथन सही है, सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं, सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे, ठीक है, सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को बुरा और बुरा करने वालों को भी पार पहुंचाएगा, ये गलत है, तो पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। 144 भारत के लिए डोमिनियन स्टेट जो स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसके प्रतिक्रिया के लिए किया गया था, तो आपको बताना है वो था मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार, ठीक है। 142 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 में हुआ था। गांधी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, किस तारीख को किया था, ये आपको बताना है, तो 6 अप्रैल 1930 को किया था, ठीक है। 144 कह रहा है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, तो जो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक थी इसके लेखक आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 145 कह रहा है, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बीआर अंबेडकर थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का, याद रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट कथन है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे, याद रख लीजिएगा। 148 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये बेलग्राम में हुआ था और ये कहाँ है, ये कर्नाटक में पड़ता है, याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन लगभग कई एग्जामों में पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था, आपको 149 का राइट जवाब देना है। ब्रिटिश तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना गलत है,
केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों ये भी गलत हो जाएगा। सी पर चलते हैं। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए ये भी गलत है। संवैधानिक गतिरोध का हल इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 150 पर। कह रहा है निम्न में से क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, आपको बताना है। तो महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल नहीं थे, जेवी कृपलानी सी राजगोपालचारी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, याद रखिएगा। 151 कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किस रूप में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु इनकी जो है ख्याति इनको मिली थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है अगला क्वेश्चन, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। विट्ठल भाई पटेल थे, याद रखिएगा। सूची एक और सूची दो का मिलान करना है, 153 का राइट जवाब आप सभी को देना है। और मैं जानना चाहता हूँ कि 153 का राइट जवाब क्या होगा, ठीक है। पहले आप लोग प्रश्न देखिए, फिर आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए और फिर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट जवाब क्या होगा, ठीक है। 153 का राइट जवाब क्या होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। कह रहा है डॉक्टर एम ए अंसारी, इनका संबंध मद्रास से है। कहाँ से है? मद्रास से है। पुरुषोत्तम दास टंडन का संबंध नासिक से है। सरोजनी नायडू का संबंध कानपुर से है। सुभाष चंद्र बोस का हरिपुरा से है, याद कर लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा। 154 कह रहा है किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या मिला है। एक तो है स्वदेशी आंदोलन, तो गलत हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन, गलत हो जाएगा। ये 1916 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों उत्तर आपके सही हो जाएंगे। अगला है 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, ये गलत है। तो क्या होगा? कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया, गलत है। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, गलत है। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, ठीक है। चलिए 156 पर चलते हैं और 156 का राइट जवाब देना है। कह रहा है कि जो आपके भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने किसकी किसकी स्थापना इसमें से किया है, ऑप्शन भी देख लीजिए। अब चलते हैं और देखते हैं किसकी स्थापना किया था। पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना बीआर अंबेडकर ने नहीं किया था। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किया था। 157 पर चलते हैं। कह रहा है कि अगस्त 1932 में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन प्रधानतया इसीलिए किया, किस लिए किया, कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय अर्थात कम्युनल एवार्ड की घोषणा किया था, इसलिए किया था। 158 रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। 159 आपका कूट है और देख करके बताना है राइट जवाब क्या होगा, आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए अच्छे से। अब चलते हैं 159 पर। कह रहा है इसमें जो सही है बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया, ठीक है।
इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया गलत है। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया नहीं, सिर्फ पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 160 पर चलते हैं, कह रहा है लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है। बताइए जरा 160 का राइट जवाब क्या होने वाला है। तो ये मोतीलाल नेहरू ने इस कथन को कहा था, याद रखिएगा। 161 कह रहा है फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अंसारी थे, ठीक है। चलिए 162 कह रहा है इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर अभियान को संगठित किया था। आपको तंजौर तट पर जो अभियान चलाया था वो सी राजगोपालचारी जी थे, याद रखिएगा। 163 कह रहा है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो वाराणसी में दिया था जब उन्होंने पहली बार कांग्रेस से जुड़े थे, अर्थात कांग्रेस के किसी भी जो है मंच पर कह सकते हैं पहली बार जब गांधी जी पहुंचे थे तो वो वाराणसी था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 164 कह रहा है सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था, आपको बताना है तो महात्मा गांधी ने इस शब्द को गढ़ा था, याद रखिएगा। 165 कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था, मेरिट्सबर्ग स्टेशन, ठीक है, इसी से गांधी को फेंका गया था। 166 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था, तो देखिए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस, ये लॉरेंस है, ठीक है, लॉरेंस ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 167 कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो देखिए विलियम वुड आपके सदस्य नहीं थे, पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप थे, एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। 168 पर चलते हैं, कह रहा है 15 अगस्त 1947 को निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, 168 का आपका राइट जवाब हो जाएगा जो है जेबी कृपलानी, कौन हो जाएगा जेबी कृपलानी। 169 निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था, तो देखिए दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ इसमें से बिब मिलर था, ये एक पत्रकार था। 170 मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था, 27 और 28 में नहीं रखा था, तो कब रखा था, 1929 में रखा था, जब उन्होंने मोतीलाल नेहरू की नेहरू समिति को रिपोर्ट का अध्ययन कर लिया, उसके बाद उन्होंने अपनी 14 सूत्री मांग रखी थी। 171 कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, तो 171 का राइट जवाब हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, और कब हुआ था, 1929 में हुआ था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला है फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था, तो महात्मा गांधी जी थे और इसकी स्थापना उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था, याद रखिएगा। 173 कह रहा औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं, तो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में ये याद किए जाते हैं। 174 अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 175 इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ के द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया था, आपको बताना है, तो वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, बी आर अम्बेडकर नहीं थे, तो कौन था,
आपके एमके गांधी थे, ठीक है। तो ये आपके एमके गांधी ने सुझाव दिया था। इसी के साथ प्यारे साथियों ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाती है। गांधीवादी चरण से बनने वाले जितने भी प्रश्न थे वो सभी के सभी आपको करवा दिए गए हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल पर जुड़िए और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, उसका समाधान आपको दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।